प्रिय विद्यार्थियों, अब तो हम जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब पाठ्यक्रमों में बदलाव हो रहा है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो हमेशा सारगर्भित रहे हैं। उन्हीं में से एक है आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर में अगर एंशियंट आर्किटेक्चर की बात करें तो हम एक प्लेलिस्ट पहले से भी बना चुके हैं जिसमें हड़प्पा काल से लेकर के कुषाण काल तक के चीज़ों का हमने वर्णन किया वहाँ तक। अब हम बात करेंगे एक और आर्किटेक्चर का जिसको हम टेंपल आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, और उसमें विशेष रूप से हम नागा टेंपल आर्किटेक्चर, द्रविड़ टेंपल आर्किटेक्चर और बेसर टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में आगे की क्लासों में बात करते चलेंगे। तो आज की हमारा विषय है मंदिर स्थापत्य यानी नागर शैली। अब एग्ज़ाम में देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 100 उदाहरण नागर मंदिर शैली की विवेचना कीजिए, मतलब किसी को उदाहरण रखते हुए, अब या फिर आप कंदरिया महादेव मंदिर स्थापत्य को लेकर के नागर मंदिर शैली के जो विभिन्न जो उसके अंग हैं, उसके डिज़ाइन है, संरचना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उदाहरण के साथ अगर आप देते हैं एग्जाम्पल के विथ एग्जाम्पल, तो एक तो वो तरीका है, और कभी कभी सीधे ही नागर शैली से आप क्या समझते हैं इसकी विवेचना कीजिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। या नागर मंदिर शैली से आप क्या जानते हैं इसकी प्रमुख शैलियों का वर्णन करें। तो चलिए आज हम नागर मंदिर शैली और उसकी प्रमुख शैली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम एक छोटी सी भूमिका बात कर लेते हैं कि देखिए, भारत की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है। यह देश विविधताओं वाला देश है, बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर। यहाँ के मंदिर वास्तुकला से समृद्ध हैं, जिसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से मानी जाती है। भारत के मंदिर और अन्य वास्तुकलाओं में स्वदेशी सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक आवश्यकताओं, आर्थिक समृद्धि की इसमें हमें झलक दिखाई देती है। इसलिए यहाँ की जो वास्तुकला का जो अध्ययन है वह भारत के विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं को प्रकट करता है। गुप्त युग ने तो मंदिर वास्तुकला के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय को जोड़ा, और भारत में शिल्प शास्त्र जैसे वास्तु ग्रंथ इसी काल में लिखे गए थे। इसमें हम मंदिर स्थापत्य कला की तीन प्रमुख शैलियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रमुख है नागर वास्तु शैली, द्रविड़ वास्तु शैली और तीसरा है बेसर वास्तु शैली। चलिए हम बात करते हैं अगली बात को लेकर के, नागर शैली। देखिए, 5वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से भारत के उत्तरी भाग में मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली विकसित हुई, जिसे वास्तुकला की नागर शैली के रूप में जाना जाता है। नागर शैली की तरह दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रचलन था। नागर शैली में भी देश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में विभिन्न उपशैलियों का भी उदय होता है। यह जो नागर शैली है वो हिमालय और विंध्य के बीच की भूमि से जुड़ी है, और भारत के उत्तरी भागों में क्षेत्रीय रूप से विकसित हुई है। नागर शैली में नागर शब्द की उत्पत्ति नगर शब्द से हुई मानी जाती है। इस शैली संरचना में दो इमारतें शामिल हैं, पहले तो मुख्य लंबा मंदिर और एक निकटवर्ती मंडप जो उससे छोटा है, जो उससे जुड़ा हुआ है। इन दोनों इमारतों के बीच सबसे बड़ा अंतर शिखर के आकार का है या शिखर संरचना है। इस शैली के मुख्य मंदिर में घंटी के आकार की संरचना जुड़ी जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में कई समानताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बलुआ पत्थर से बने हैं, और इनका विकास जो था वो गुप्तकाल के जो संरचनात्मक मंदिर हैं उनसे माना जाता है। और यदि बात करें सबसे प्राचीनतम मंदिरों की, तो अभी बबनियाओं जो वाराणसी से प्राप्त हुआ है,
उसका संबंध कुषाण काल या कुछ लोग सुंग काल से जोड़ते हैं, या जिसको अब बैम्बिक वंश कह रहे हैं आजकल। तो बबनियाओं से जो मिलता है तो वो एक प्रारंभिक मंदिर का उदाहरण है, लेकिन गुप्त काल के संरचनात्मक मंदिरों के बाद ही हमें नागर मंदिर शैली का विकास दिखाई देता है। और इस काल के सभी नागर मंदिरों में मुकुट तत्व जैसे आमलक और कलश पाए जाते हैं। मुकुट कहाँ होता है? सर पर होता है, सर पे पहना जाता है, जैसे राजा लोग पहनते हैं। ये अपेक्षाकृत साधारण दिखने वाले मंदिर हैं, जिनमें प्रत्येक में चार स्तंभ हैं जो एक छोटे मंडप को सहारा देते हैं, जो एक साधारण वर्गाकार बरामदे जैसा विस्तार प्रतीत होता है, जिसके सामने एक समान रूप से छोटा कमरा है जो गर्भगृह के रूप में कार्य करता है। अब नागर शैली के जो मंदिर हैं वो मुख्यतः पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जो स्थित है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में, कोणार्क सूर्य मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, खजुराहो के मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सोमनाथ मंदिर, मोढ़ेरा का मंदिर इत्यादि, ये नागर शैली मंदिर के उदाहरण हैं। अगर हम नागर शैली के अंगों की बात करें तो शिल्प शास्त्र के अनुसार नागर मंदिरों के 8 प्रमुख अंग हैं। पहला है मूल आधार, जिसके ऊपर पूरा संपूर्ण मंदिर संरचना को खड़ा किया जाता है। आप देख सकते हो आधार अधिष्ठान कहा गया, इसको नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, जो जगती के ठीक नीचे लिखा है अधिष्ठान। और आधार का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको जगत कहते हैं, जगती। दूसरा है मसूरक, नींव और दीवारों का जो बीच का भाग होता है उसे हम मसूरक कहते हैं। जंघा, जो आप दीवारें देख रहे हैं गर्भगृह की, ठीक है, इसको हम जंघा कहते हैं। कपोत, जिस पर जो स्तंभ और छत को सहारा देने के लिए जो कॉर्निस लगा होता है, ठीक है ना, पुराने मकानों में आप देखोगे लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। शिखर, मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग आप देख सकते हैं, जिनके ऊपर कई छोटे छोटे शिखर जैसी संरचना है, जिसको उरुश्रृंग भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कई छोटे छोटे शिखर बने हुए हैं। ग्रीवा, शिखर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको ग्रीवा कहते हैं, गर्दन भाग। वर्तुलाकार आमलक, शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग, और कलश यानी शिखर का शीर्ष भाग, और कभी कभी उसके ऊपर ध्वज पाया जाता है। लेकिन शिल्प शास्त्र में ये 8 अंग बताए गए हैं, ठीक है। तो जिसको आप इस मंदिर से, ये कंदरिया महादेव मंदिर है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब नागर शैली की विशेषताएं क्या हैं? तो अब एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन हैं, नागर शैली मंदिर से आप क्या समझते हो उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए, या नागर मंदिर शैली से आप क्या समझते हैं उसके प्रमुख शैलियों का वर्णन करिए। देखिए, इस शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। पूर्णतः विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल, मंडप तथा अर्धमंडप प्राप्त होते हैं। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न या जुड़े हुए इन भागों का निर्माण किया जाता है। चौथी बात, नागर शैली की 2 विशिष्ट विशेषताएं इसकी योजना और उन्नयन है। योजना वर्गाकार है, जिसमें प्रत्येक पक्ष के बीच में कई क्रमिक अनुमान हैं जो इसे एक क्रूसीफार्म आकार प्रदान करते हैं। इसके 4 प्रक्षेपण प्रकार हैं, जहां हर तरफ एक प्रक्षेपण त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ, नवरथ के रूप में दिखाई देता है। यह शिखर ए टावर को ऊंचाई प्रदर्शित करने के लिए जो उत्तल वक्र में उत्तरोत्तर झुका हुआ है, और योजना में अनुमानों को शिखर के ऊपर की ओर ले जाया जाता है। आप ये देख सकते हैं जो त्रिरथ होगा, आप देखोगे तीनों तरफ से देखिएगा तो 1 2 3 1 2 3 बना हुआ आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए पंचरथ देखेंगे तो आप पिछला हिस्सा देखिए, दायां बायां हिस्सा देखिए, तो आप जब गिनेंगे तो उसकी जो दीवारें हैं ना एक लंबी आकार की,
तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पंचरथ, और इसको एक और आप देखेंगे तो ये आपका सप्तरथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए। मूल रूप से नागर शैली की शिखर संरचना में कोई स्तंभ नहीं थे। मंदिरों ने आमतौर पर निर्माण की पंचायतन शैली का पालन किया। नागर शैली में शिखर अपनी ऊंचाई के क्रम में ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है, ठीक है, जिसकी तुलना मेरु पर्वत से की जाती है। मंदिर में सभा भवन और प्रतिष्ठा पथ भी होता था। शिखर के नियोजन में बाहरी रूपरेखा बड़ी स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से उभरती है, अतः इसे रेखा शिखर भी कहते हैं। ठीक है, शिखर पर आमलक की स्थापना होती है। मुख्य मंदिर के सामने सभा हाल और मंडप की उपस्थिति देखी जाती है। गर्भगृह के बाहर गंगा यमुना नदी की देवी की छवियों की उपस्थिति होती है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर गर्भगृह में प्रवेश करे तो यानी पवित्र भाव से वो अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के विपरीत परिसर में कोई पानी की टंकी या जलाशय मौजूद नहीं रहता। मंदिर आमतौर पर एक ऊँचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, जिन्हें अब ऊँचा चबूतरा है तो निचला भाग अधिष्ठान हुआ, यानी जगत पूरा ऊँची है। और कथात्मक मूर्तियां बनाने के लिए ऊर्ध्वाधर विमानों का उपयोग किया गया है, और विभिन्न पैनलों के रूप में उसका प्रयोग दिखाई देता है। द्रविड़ शैली के विपरीत मंदिर परिसर में विस्तृत चाह दीवारी या प्रवेश द्वार हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने आपके सामने बात किया कि नागर मंदिर शैली क्या है, इसके प्रमुख अंग क्या हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, पार्ट वन हो गया। अब पार्ट टू में हम जब बात करेंगे इसकी शैलियों के बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए इंतज़ार करिए।